वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट हब। दोस्तों कैसे हो? सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कंटिन्यूस हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज हम बात करेंगे जिस वैकेंसी की, वो आई है प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट जॉब है, कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, वॉकिंग बेसिस पे, इंटरव्यू बेसिस पे, और यहाँ पर हेल्पर और पियोन के पोस्ट हैं। हम इसके कंप्लीट डिटेल्स देंगे आपको वीडियो में आगे, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। और अप्लाई करने का फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। आपको उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके अपना इंटरव्यू फिक्स करके इंटरव्यू पे जाना है और जॉब को हासिल करना है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के कंप्लीट डिटेल्स। लेकिन दोस्तों उससे पहले अटेंडेंस लगा दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर कर दें। साथ ही अगर आप प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं अपने लोकलिटी में, अपने स्टेट में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक कर दें, वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स भी बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है जो वो है प्राइवेट फर्म, और एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑफलाइन। पोस्ट का नाम है पियोन व हेल्पर, और इसमें काम क्या करना है तो साफ सफाई करना है, खाना पैक करना है, रेस्टोरेंट में रहने की जगह मिलेगी, खाना मिलेगा। पे स्केल यहाँ पर मिलता है 8 से 10 हज़ार रुपये। जॉब टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, मंडे टू संडे। क्वालिफिकेशन है इसके लिए 10वीं पास। मेल अप्लाई करेंगे सिर्फ, फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिलेक्शन यहाँ पर बेस्ड है इंटरव्यू पर, सीधी भर्ती, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जॉब लोकेशन है DLF Phase 3 गुड़गांव, और इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो है 10 मई। और इंटरव्यू के कंप्लीट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, आप पॉज करके वीडियो को देख लें कंप्लीट डिटेल्स के साथ। वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।